इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। थोड़ा सा इंडिया के बारे में तो हमने भी अपना एक क्या कहना चाहिए, दर्जा हरारत कम किया है, उनकी तरफ से भी कम हो गया। अच्छा, अब ये जो जमहूरियत का इशू है, ये बाइडेन साहब के लिए बड़ा प्रायोरिटी है, बहुत प्रायोरिटी है कि जमहूरी, कि हमने दुनिया को कि चीन के खिलाफ अगर लड़ना है। मैं इस बात को बिल्कुल आपको वाजे तौर पर बताऊं कि मुसलमानों के खिलाफ वॉर ऑन टेरर सरकारी या गैर सरकारी तौर पर खत्म हो गई है। ठीक है ना, अभी उनमें तो अभी खबर आई है कि मुसलमान साढ़े भाई हैं। ठीक है, क्योंकि इशू खड़ा हो गया है अब चाइना का, और चाइना के खिलाफ चूंकि इशू खड़ा हो गया है, वहां पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो कहते तो आने वाले दिनों में आपको दुनिया में फिर मुसलमान जो है वो अमेरिका के पास नजर आएंगे और मध्य मुकाबले चीन नजर आएगा और चीन के अंदर जमहूरी इकदार नजर आएंगी। तो वो खत्म हो गया इशू, और जमहूरी इकदार की बात कर रहा होगा अमेरिका दोबारा कि जमहूरियत होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी होंगे, लेकिन जमहूरियत के ऊपर, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हांगकांग में क्या हो रहा है जी, वहां पे जमहूरियत नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है वगैरह वगैरह। अब उसमें इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप जरा अंदाजा लगाएं कि अचानक जनाब और क्या होता है, और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद मॉस्को पहुंच गए, और ज़ल्मे खलीलज़ाद पहुंच गए और हमारा डेलीगेशन भी पहुंच गया और अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी पहुंच गया। कल वहां पे मॉस्को में टॉक्स हो रही है और अफगान पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी दौरान आप एक और खबर देखें, 23 तारीख को, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि दुनिया किस तरह से तब्दील हो रही है, 23 मार्च को नतन्याहू का इलेक्शन है इसराइल में। नतन्याहू इसराइली वजीर आजम, जिसने मुसलमान मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात को बेहतर करवाया, लेकिन उसके अंडे ट्रंप के टोकरे में थे, इसराइल के नहीं, नतन्याहू के। तो नतन्याहू का हाल क्या है इस वक्त, नतन्याहू का ट्रंप के टोकरे में जिसके अंडे थे, उसने इस वक्त ये कहा कि मैं सिर्फ एक मुल्क का दौरा करना चाह रहा हूं, और वो मुल्क कौन सा है, यूएई, जिसने जिसके साथ जो यूएई और इसराइल आपको पता है। अब जनाब यरूशलम पोस्ट क्या खबर दे रहा है कि यूएई कॉल्स ऑफ नतन्याहू ट्रिप मना कर दिया यूएई ने। अच्छा, उधर साथ ही एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रही है कि तुर्की, कौन सा तुर्की, वो तुर्की जहां कुछ दिन पहले ये था जमाल खुशोगी सऊदी अरब, तुर्की के अंदर ये हो रहा है कि जो कि शुक्र है कि पाकिस्तान ने जो अपनी रियासत है पाकिस्तान ने, ठीक है, रियासत पाकिस्तान ने पॉलिसी को अपनी बैलेंस रखा, क्योंकि जाहिर है कि हमें मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और होंगे भी। पाकिस्तान से कहा गया, जैसे पाकिस्तान से इस जो भी सेटअप है इसका एक जमहूरी, इसके एक जमहूरी शक्ल आप लेकर आ दें, वो कहां से कहा गया है, वो मेरी तरफ से कहा गया, ऐसे समझ लें आप। अच्छा जी, और उसमें पार्लियामेंट को आपने चलाना है और यहां हल्ला गुल्ला और ये मतलब इसको जरा स्लो डाउन करें, ठीक है, और वजीर आजम साहब ने भी जो इस्लाहात की बात की है, मैं कल तो एक देखें ये जो ना ये सामने की बातें होती हैं सारी, कि ये उसके साथ हो गया, फलां हो गया, वो असल में सारे के सारे सब के सब जो हैं वो जो शेख रशीद साहब बात से ही कहते हैं कि सारे के सारे किसी ना किसी हवाले से गेट नंबर 4 से कनेक्टेड हैं। अच्छा, वो बात से ही कहते हैं शेख रशीद साहब। तो बात यह है कि वहां से अभी बात हुई है कि जी आप जो है इसको एक शक्ल लेकर आ जाए और इसको एक जमहूरियत का एक कलर होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट आपने चलानी है तो पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कौन सी ऑपोजिशन है, सड़कों उड़ के ये भूल जाए कि सड़कों में मुजाहरे होंगे, अदम इस्तेकाम होगा, ये भी भूल जाए कि इसके पीछे फलाएं धमाका है, काफी हो गया, इसके पीछे अमरीका है तो इसके पीछे फलाना मुल्क है तो धमाका मुल्क, ये कहना भी बंद करें, इसके पीछे इंडिया है, इंडिया कोई ऐसी मतलब बस ये काफी कुछ हो गया, ये अपने ही अंदर से ही थी मूवमेंट, कोई दूसरा तीसरा मुल्क जो था इसको बिल्कुल, मैंने कहा इस वक्त बिल्कुल अब कोई नहीं बोलेगा ये बात, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन पता नहीं कहेगा इसके पीछे ये मुल्क है। ऐवान की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सियासी मामलात की बात कर रहे हैं आप, आज मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर
आधा ऐवान खाली हुआ तो पीपल्स पार्टी को इस्तीफे देने पड़ेंगे, यानी कि अगर नून लीग और मौलाना साहब अपने इस्तीफे जमा करा देते हैं तो पीपल्स पार्टी को मजबूरन देना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब इसके बाद कोई नहीं कहेगा कि इसके पीछे फ्ला मुल्क है, इसके पीछे फ्ला मुल्क है, क्यों सबके पीछे किसी के पीछे वो जो था ना बस काफी हो गया। मैं सीधा तो बात नहीं करना चाह रहा, खामोश बस ठीक है। इसके पीछे दो मुल्क थे, इसके पीछे ये था, इसके पीछे वो, सब खामोश, वो हताश चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, वो धमाके करवा, बस खामोशी से सन्नाटे खामोशी से अपने मुल्क को हमने चलाना है और आगे लेके चलना है और एक ऐसा इसको कलर हमने देना है जहां पे एक फंक्शनल जमहूरियत हो। आज मुझे खुशी हुई वैसे, मैंने कहा ना कि फवाद चौधरी साहब और शिबली बराज साहब जो आज बात कर रहे थे कि आजादी इजहार राय, जाहिर अमेरिकन पूछेंगे ना आजादी इजहार राय, अच्छा आप क्या ठीक है, अच्छा ओके फाइन, कैसा जा रहा है, अदालतें कैसी जा रही है, आज सुना आपने फैजी सर साहब को, तो फैजी सर साहब के पीछे कौन है बाय द वे, भाई आपको क्या लग रहा है उनके पीछे, ये चल रहा था ना सोशल मीडिया दाएं बाएं आगे पीछे, उनके पीछे नवाज शरीफ, उनके पीछे फैजी सर के पीछे कौन है फैजी सर साहब के पीछे, अब कोई नहीं बोलेगा। बात यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मुल्कों की बड़ी फ्लेक्सिबल होती है और वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट्स के पास ऑप्शंस होते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे, वो तरीके से ये पॉलिटिशियंस और हुक्मरानों का काम है कि वो उसको एक कलर दे के रखें, ठीक है, उसको कलर दें कि यहाँ फंक्शनल डेमोक्रेसी काम कर रही है, इंतखाबी सलाह की हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा बात नहीं हुई आज। आज उन्होंने जो है शेख रशीद साहब भी आज बड़े बड़ा मुदब्बर हमारे सियासतदान है, भाई हैं मेरे तो भाइयों की तरह है, लेकिन उन्होंने बड़ी धीमे धीमे बात की, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे खान साहब ने ये किया और खान साहब ने कोई उन्होंने पकड़ो धकड़ो मार देंगे गिरा देंगे नहीं, ना 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 ना, ये मार गिराने वाली बात आप जरा करें आप, उसके बाद आप देखें क्या होता है, अब ये बात खत्म हो गई हुई है। तो बात आ रही है कि इसको एक नॉर्मलाइज करने के लिए खुल के बात कर लेते हैं, खुल के बात ये कर देंगे, जाहिर है भारतीय इंडिया को भी कहा गया है, मोदी को कहा गया है कि जी आप इसको ठीक करें मामलात को, हम नहीं चल सकते, बिल्कुल कैटेगोरिकली मोदी के लिए बीजेपी पार्टी है, लेकिन ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे इस मामले पर कि वो उनको पहले नहीं बैठा सकते, नहीं हम करेंगे, हम इंडिया को करना पड़ेगा, कश्मीर को करना पड़ेगा, इंडिया को मोदी करेगा, ये 370 अमेरिका को उठवाएंगे, क्रेडिट अमेरिका से लेंगे कि हमने उठवाया है, ठीक है हमने ठीक करवाया, हमने देखे ना हमने कितना, तो बात ये और ये मोदी करेगा, मोदी अच्छे भी करेंगे, लेकिन बात ये है कि अगर उन प्रेशर में नतन्याहू और तालिबान और आगे इंडिया पाकिस्तान सारे, तो हमने या तो ये होना कि सारे के सारा हम चाइना की तरफ होते, ऐसा भी नहीं है, बेवकूफ की ऐसी चलती है, इस तरीके की बातें ये पिछले लंबे समय से कर रहा है। आपको याद होगा जब भारत चीन का तनाव लद्दाख में हुआ था, इसने लगभग 6 महीने तक ऐसी फालतू की न्यूज़ चलाई थी, इसने ये तक बोल दिया था कि भारत और चीन के बीच अब बॉर्डर यूपी से स्टार्ट होती है, इस तरीके की बातें इसने की थी। तो यहाँ पर ये बातें कर रहा है और ये जो बाइडन के आने के बाद ये इस तरीके की बातें कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एक बार ये जेल में भी जा चुका है, इसने एक कुछ रेप हुआ था उसके मतलब कुछ झूठी न्यूज़ चलाने के कारण ये जेल में गया था। तो दोस्तों ये पत्रकार इसी तरीके की फेक न्यूज़ देता है और इसी तरीके की बातें कर रहा है। आपको पता होगा दोस्तों जो क्वाड सबमिट हुआ था अभी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका जिसके 4 मेंबर हैं और बेसिकली ये चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। चाइना जो मनमानी करता है, साउथ चाइना सी जिसे बोलता है उस पर मनमानी करता है, इंडियन ओशन पर मनमानी करता है, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है और ये उसका भी मजाक उड़ाता फिरता है कि क्वाड का क्या होगा, ये होगा, वो होगा, जमाने भर की बातें, क्या क्या फालतू की बातें करता है, इसको खुद भी नहीं पता। कोई टॉपिक पर मान लो ये बात कर रहा है, जैसे क्रिकेट की बात कर रहा है और एकदम से क्रिकेट को लेकर हॉकी का एग्जाम्पल देने लगे, इस तरीके का ये बेवकूफ़ है। तो ये इसी तरीके की बातें करता है। भारत की जो कोरोना वैक्सीन की कामयाबी है उसके पीछे भी इसने काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाई है। तो अब क्या बोल सकते हो दोस्तों, ये चाहता है कि जो भारत में जो वैक्सीन बन रही है वो दुनिया में ना बिके, बदनाम हो, इस तरीके की बातें भी ये करता है। तो इसके बारे में आपके क्या सुझाव कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।